सर आपका नाम? रिंकू चौहान। रिंकू जी, आपने ये बताइए कि ये कमल का फूल एक बनाया है, सिल्वर का है जी, क्या इसके पीछे मोटिव है, ये किस लिए आपने बनाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके मीडिया का। तो दूसरा, ये जो हमने कमल का फूल बनाया है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आज शब्द ले रहे हैं, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उसी खुशी में हमने ये एक तोहफा तैयार किया है। मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र सुदेश खजूरिया जी, मैंने उनके साथ मिलकर ये तोहफे को तैयार किया। हमने सोचा कोई कुछ ऐसा तोहफा तैयार किया जाए जिसका कोई मतलब आज तक किसी ने दिया भी नहीं हो। तो ये एक हमारे वाजपा का निशान भी है, कमल का फूल। तो हमने सोचा हमने एक चांदी का ये फूल तैयार किया जाए और अलग से डिफरेंट कुछ लगे, तो जो मोदी जी को हम इस तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं उनको भेंट किया जाए। तो ये मतलब आप बेसिकली यही काम कर? देखिए, मेरा ज्वेलरी का ही बिजनेस है, जम्मू वार्ड नंबर 67 मुठी में रहता हूँ मैं। बेसिकली मेरा ज्यादा बड़ा मैं ज्वेलर नहीं हूँ, छोटा सा मेरा बिजनेस है, तो छोटा मोटा मेरा कारोबार है ज्वेलरी का। तो मैं बात वो नहीं है, तोहफा होता है छोटा या बड़ा, तोहफा तोहफा है। तो मैंने जो तोहफा तैयार किया इसमें मेरी रूह बसी हुई है, बड़ी खुशी से। मतलब मैंने इसको 10-15 दिन लगाए हैं, एक एक पत्ती की, इसकी 5 पत्तियां हैं, तो इसकी एक एक पत्ती में मेरी इसमें रूह है। तो मैं चाहता हूं कि जो जैसे राम मंदिर का निर्माण, जो आज तक 500 साल पुराना निर्माण कोई करवा नहीं सका, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया, कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो एक उनको भगवान के, अपने भगवान के रूप में देखता हूँ, एक वो भगवान जी का एक अंश है वो मोदी जी। तो मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने भगवान जी को एक तोहफा भेंट करूं, ये एक छोटा सा हमारा गरीब परिवार की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, जे हम आपके मीडिया चैनल के थ्रू जो वहां तक पहुंचता है, तो मेरे लिए और खुशखबरी की बात। तो ये कितना इसमें मतलब क्वांटिटी ऑफ जो सिल्वर है वो लगा? इसमें कम से कम 3 kg की चांदी है, 100% प्योर चांदी का बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो पूरा मतलब इसमें काफी मेहनत लगी होगी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा मेहनत से काम है। आपने नीचे देखा होगा लिखा है, ये वो भी चांदी के अक्षरों में लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे, तो उनको हम जम्मू की तरफ से भेंट करना चाहते हैं जी। तो अभी जिस तरह यहाँ पे भी 370 भी हटाया, और उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, 370 हटाना एक मतलब जैसे हमारा कश्मीर में आप देखते थे कभी भी वहां पे पत्थरबाजी नहीं खत्म होती थी, आज जाओ आज कश्मीर देखिए आप, फॉरेन जैसा हमें ऐसे लगता हम पता नहीं अमेरिका के देश में वहां पे पहुंच गए हैं, स्विट्जरलैंड वहां पे पहुंच गए हैं। तो आज कितने फ्लाई ओवर, हमारे जम्मू की बात की जाए, जहां से हमने जीवल तक जाना होता तो हमें 2 घंटे लगते थे, इतना जाम। आज कितने कितने बड़े बड़े फ्लाई ओवर बने हैं, कितना जम्मू का भी नक्शा चेंज हो गया। तो हमें आज तक ऐसे प्रधानमंत्री ना जिन लाइफ में कभी, अपने जब से हमने होश संभाले ना हमने कभी देखा, तो ना ही आगे देखेंगे। तो हमें यही इच्छा जताई है, तो तभी हमने ये तोहफा तैयार किया उनके लिए। तो आज जिस तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, और सख्त फैसले लेने की उम्मीदें हैं, और जैसे कि हमारे अब हमारे भी कुछ लोगों ने, कुछ सीटें हमें कम आई, चलो फिर भी हमें बड़ी खुशी है। आज के जो गृह मंत्री हमारे मोदी जी ये शब्द ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे लिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है जी। तो अब आगे लगता है कि और अच्छा देश को आगे लेके जाएंगे? हाँ जी, वो तो पूरी देखो, आज दो टर्न में उन्होंने कितना अच्छा समाज के लिए कितने कितने अच्छे काम किए, उनके देखो ना आगे कोई है ना पीछे कोई, उनको कोई नहीं है, उनको किसके लिए लेना है, हम ये जनता ही उनका परिवार है, वो जनता के लिए ही हर वक्त काम करते हैं। तो आप देखो हमारे मोदी जी तो है, योगी जी कितने देखो देश के लिए मतलब कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी, हमारे जो देश के लोग हैं, जो हमारे नागरिक है, जो जनता है, उनको भी चाहिए हमारे मोदी जी का साथ देना चाहिए। तो जो ऐसे ही प्रधानमंत्री आगे आए तो देश के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। अब आपकी ये उम्मीद है कि ये जो तोहफा है किसी तरह उन तक पहुंच जाए? जी जी, मैं अपने मुठी जम्मू की तरफ से, मुठी वार्ड नंबर 60 तरफ, जहां मुठी की तरफ से, मैं चाहता हूं कि ये तोहफा मैं मोदी जी के तक पहुंचाऊं। मैं मोदी जी को आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के मैं
अपील करना चाहता हूँ जे प्लीज आपके लिए मोदी जी ये तोहफा है, प्लीज इसको कबूल कीजिए। तो मैं इसको संभाल के भी संभालना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जे हम वेट करना चाहते हैं मोदी जी को। मेरा नाम अंजलि चौहान है। अंजलि जी, ये जो आपके हस्बैंड ने कमल का फूल जो सिल्वर का बनाया है, किस तरह देखते हैं इसे, और जिस तरह आपकी भी एक ख्वाहिश है कि मोदी जी को गिफ्ट किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतना कीमती समय निकाल के आए। ये हमारा आज का सपना नहीं है, ये काफी देर का सपना है। मोदी जी को हम भगवान की तरह ही मानते हैं। जो उन्होंने इतने कार्य किए हैं ना, तो वो कार्य मतलब कि सराहनीय है उनके। अगर वो कार्य मैं बताने लगूं तो वो तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे 370 हटाए, ये एम्स जो कभी हमने सोचा नहीं था, और वो महिलाओं के लिए इतना ज्यादा करते हैं, 33% कोटा जैसे महिलाओं को दिया है। तो बाकी भी बड़ी उनकी उपलब्धियां, और तीसरी बार आज वो शपथ ले रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में यही हमने ये किया, ये बनाया सिल्वर का ये हमने फूल, और जैसे कि हमारे बीजेपी का ये सिंबल भी है। और मैंने अपने हस्बैंड के साथ पूरा योगदान किया है, तो वो दिन रात इस फूल को बनाने में लगे थे, उन्होंने अपने हाथ से ये फूल बनाया। तो बात पैसे की नहीं होती, बात इमोशंस की होती है। ये हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस फूल के साथ। तो हम भी इतने बड़े कोई ज्वेलर्स नहीं है, एक छोटे से ही हम भी ज्वेलर्स हैं। तो मगर ये है कि हम मोदी जी को अपने ऐसे भगवान की तरह मानते हैं, और उनको हमेशा मानते रहेंगे। उन्होंने बड़े ही अच्छे काम किए हैं। तो अब आपके मीडिया के थ्रू या कहीं भी हमारा मैसेज आता है, हमें कॉल आती है, तो हम तुरंत ही ये फूल लेके निकलेंगे, तो हमारे मोदी जी को ये जरूर देंगे। तो
सिल्वर का जैसे फूल है, एक तो निशानी है बीजेपी की, क्या इसलिए बनाया है? नहीं नहीं नहीं, ये एक तो ये है कि हमारे मोदी जी तो बीजेपी के हमारे ही वो है, तो इसलिए हमने यही सोचा कि इससे अच्छा और उपहार क्या हो सकता है, तो इसलिए हमने ये सिल्वर का यही फूल ही बनाया कि उनके तक हमारा ये सिल्वर का फूल पहुंचे तो हम उनके तक जा सके। तो अभी आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप तीसरी बार जैसे बन रहे हैं? देखो हमें तो बड़ी ज्यादा उनसे उम्मीदें हैं, तो आपको पता है वो जो भी कोई निर्णय लेते हैं तो वो तो आंट्स पार्टी पता चलता है कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्या उन्होंने अपने माइंड में मतलब की सोचा है। जहां तक उनकी सोच अभी शुरू होती है वहां पर हमारी खत्म होती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है, तो यही अब आने वाले टाइम में तो देखेंगे कुछ नया ही कुछ करके दिखाएंगे। लगता है कि एक जो कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी और नंबर वन हो जाएगी, तो लगता है कि आने वाले दिनों में देश जो है सुपर पावर बनेगा, इकोनॉमिक पावर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपने ये चीज तो सबसे पहले तो इतना पब्लिक को नहीं पता होता जितना आपको मीडिया वालों को पता होता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको पता है कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है जनरेशन के लिए, कितना वो यंग जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। तो जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं ना वो आज तक ना कभी कोई कर पाया है ना कभी होगा। 70 साल से आपको पता है क्या हुआ था, जो हमारे मोदी जी ने ये इन टेन्योर में करके दिखाया, जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, तो हमें तो उनसे बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो वो हमेशा इन उम्मीदों पर हमेशा खरे भी उतरे हैं, तो यही अब उनके तक हमारा फूल पहुंच जाए। बस उनके लिए एक छोटा सा उपहार है जो हमने अपनी बड़ी शिद्दत से अपने दिल से हमने ये बनाया है, तो बस इसके साथ हमारे बड़े ज्यादा इमोशंस जुड़े हैं। जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि हम इतना प्यार करते हैं हमारे मोदी जी को। हमारे मोदी जी की कोई फैमिली थोड़ी है, फैमिली कौन है? हम पब्लिक, दुनिया, ये उनकी फैमिली है। उनका ना कोई आगे है ना कोई पीछे, वो सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं ना। अगर हम पब्लिक हम नहीं समझेंगे फिर वो कौन समझेगा? क्या ये जो बाकी पार्टीज वाले हैं, किसी का मैं नाम तो लूंगी नहीं, बाकी पार्टीज वाले हैं, इनके दादा परदादा बेटियां बेटे ये वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, मगर हमारे मोदी जी की कौन सी पीढ़ी चल रही है? कोई नहीं। हम पब्लिक, हम लेडीज, 33% कोटा, आज तक किसी ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा। अगर हम इतना सा ये सोच रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा जो बोलते हैं ना एक तिनका, वो छोटा सा उनके लिए उपहार है हमारी तरफ से। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.